तो चलिए आइए दोस्तों, आपका जो मेन मेजर डाउट था एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का, जिसको मैंने जो है एक रूखा सूखा समझा दिया था पिछली कुछ वीडियोस में, आज जो है हम इसके सारे केसेस के बारे में बात करेंगे कि कौन से केसेस जो है आपके एग्जामिनेशन में जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की जो भी एडजस्टमेंट है उसके कौन से केस जो है आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की जो एडजस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट जो है एडजस्टमेंट है, ठीक है। इसके कई केस बनते हैं फंसाने के लिए आपको जो है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ ये जो है ट्रायल बैलेंस में भी दे देता है और एडजस्टमेंट में भी दे देता है, और मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि ये वाली जो एडजस्टमेंट है वो आपके एग्जामिनेशन में बनेगी। तो इसके जो भी केसेस है वो आपको जो है आने चाहिए, बहुत ही ईजी है, समझने की जो है देर है बस, और कुछ नहीं। ट्रायल बैलेंस में कुछ चीज़ें गिवन होती हैं और साथ में जो है कुछ एडजस्टमेंट इसके अंदर गिवन होती हैं। वैसे आपको जो है कुछ मैंने इलस्ट्रेशन जो है पिछली वीडियो में कराए थे, उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैसे होता है, बट कुछ कन्फ्यूजन होगी कि ये माइनस क्यों रहा है प्लस क्यों रहा है, वो जो है इस वीडियो में हम जो है सब कुछ क्लियर करेंगे। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। तो चलिए आइए, जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की जो एडजस्टमेंट है जिसकी आपकी एक कन्फ्यूजन है उसको दूर करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ क्या होता है। प्रोविजन और रिजर्व चैप्टर में हमने जो है प्रोविजन को पढ़ लिया था कि प्रोविजन होता क्या है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। प्रोविजन वो होता है जैसे कि हमें कोई पता हो कि हमारी नॉन लाइबिलिटी, मतलब कि हमें कुछ पे करना है, हमें पता है कि, तो उसके लिए मान लीजिए 6 महीने बाद हमें पता है कि हमारे बिजनेस को जो है एक लाइबिलिटी है बहुत बड़ी, वो पे करनी है हमें। तो हमने क्या किया, 6 महीने के अंदर अंदर पर मंथ में जो है कुछ पैसे अपने प्रॉफिट में से सेट असाइड करके रख दिए एज अ एक्सपेंस, उसको मान लिया अपने बिजनेस से, ठीक है, कि वो प्रॉफिट पे चार्ज करो, उसको एक हिसाब के खर्चा मानो और वो पैसा जो है साइड करते करते रख जाओ, ठीक है, वो पैसा थोड़ा साइड करते करते रख जाओ ताकि 6 महीने बाद जो है हम वो लाइबिलिटी पे कर सकें। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब ये होता है कि डाउटफुल डेब्ट, पहले समझ लीजिए, डाउटफुल डेब्ट मतलब कि एक ऐसे डेटर जिन पे हमें डाउट है कि वो हमें पैसा नहीं देंगे, एक ऐसे डेटर जिन पे हमें डाउट है कि वो हमें पैसा नहीं देंगे, तो उसके लिए एक प्रोविजन बनाना, उसके लिए पैसा जो है अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा साइड करके रखना, इससे ही बोला जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। ये बैड डेब्ट जो होता है ना, जो हमारे बिजनेस को जो है पैसा नहीं देते, उसके लिए ये जो है एक प्रोविजन बनाया जाता है, उसे ही बोला जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो इसके कई केसेस बनते हैं, ठीक है, कुछ कुछ केसों में इसको जो है बांट दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो है डिस्कस करते हैं केस 1। केस 1 में मैं क्या बताने वाला हूँ, ये केस मैंने खुद बनाया है, कोई आपकी बुक में ये केस गिवन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप से जो है, मैं एक हिसाब से आप इसको टाइप भी मान सकते हैं कि इस टाइप से जो है ये एडजस्टमेंट बनती है। सबसे पहले मान लीजिए ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, क्वेश्चन आप इसको समझ लीजिए, नीचे आपके एडजस्टमेंट्स होंगी, ये ट्रेडिंग पीएनएल और ये बैलेंस बैलेंस शीट, ठीक है। मान लीजिए आपको जो है डेटर गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर मान लीजिए आपको डेटर गिवन है 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है, सिर्फ आपको डेटर गिवन है 1 लाख रुपीज़ का, और यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, आपको एडजस्टमेंट में गेन है कि प्रोविजन लगाना है डाउटफुल डेब्ट पे 5%, ठीक है। अब 5% का मतलब कि डेटर का ही जो है 5%। अब हम जो है सबसे पहले यहाँ पे डेटर जो है हमारे 1 लाख है, उसका हम 5% निकाल लेंगे, ठीक है। 5% आप जानते हो 10,000 5,000 जो है 1 लाख का 5% बनता है, ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब सबसे पहले डेटर हमें जो है डेबिट बैलेंस में गिवन था, हमने क्या किया, डेटर या डेबिट बैलेंस में गिवन है या तो एक्सपेंस होता है या एसेट है। अब हमें पता है कि डेटर हमारा एसेट होता है, तो हमने क्या किया, एसेट साइड में जो है डेटर को लिख दिया, ठीक है, डेटर को 1 लाख एसेट साइड में लिख दिया, और वो 5% था प्रोविजन, तो हमेशा वो डेटर में से माइनस होता था, ठीक है, प्रोविजन में बनाना है, हमने डेटर में से वो प्रोविजन माइनस कर दिया, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमें सिर्फ जो है ट्रायल बैलेंस में डेटर गिवन है और एडजस्टमेंट गिवन है, हमने 5% निकाल के 5,000 डाल दिए, ठीक है, और इसका कर दिया माइनस करके 95,000 कर दिया, और उसको जो है प्रोविजन को हम एक्सपेंस मानते हैं, मैंने पहले ही बताया, तो पीएनएल में लिख दिया हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है, 5,000 हमने लिख दिया। सिंपल सा, अगर आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस में क्या हो, डेटर गिवन हो, ठीक है, वैसे बहुत चीज़ें गिवन होती है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि डेटर गिवन हो और आपको जो है एडजस्टमेंट गिवन हो कि प्रोविजन मेंटेन करना है डाउटफुल डेब्ट के लिए 5%, तो आप सीधा सीधा जो डेटर एसेट में लिखते हो उसमें से प्रोविजन आप माइनस करो
और अपना प्रोविजन जो है एज एक्सपेंस ट्रीट कर लो। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, वो एक्सपेंस है प्रोविजन हमारे लिए, उसको जब हम क्रिएट करते हो तो एज ए एक्सपेंस उसको ट्रीट करते हैं। ये हमने जो है रिजर्व और प्रोविजन के चैप्टर में पढ़ा था, और ये डेटर में से माइनस होते हैं तो डेटर को क्रेडिट कर दिया 5000 5000, और आप देख सकते हैं इसी के ही इफेक्ट मैंने लिए। ठीक है, डेटर क्रेडिट में है, यहाँ पर डेबिट में माइनस कर दिया और ये एक्सपेंस है पीएनएल में लिख दिया, इसी के ही इफेक्ट हमने ले लिए थे। ठीक है, एक तो ये हो गया केस। अगर आपको सीधा सीधा जो है बहुत ईजी ये गिवन हो, तो आपको एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब मेंटेन करने के लिए गिवन हो और सिर्फ डेटर आपको जो है ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, तब आप सीधा यही ट्रीटमेंट आपको करनी है। ठीक है, अब चलते हैं केस टू पे। ठीक है, अब केस टू में क्या है कि ट्रायल बैलेंस में आपको डेटर भी गिवन है और साथ में जो है आपको बैड डेट्स भी गिवन है। एक्सपेंस होता है जो पैसा हमारा डूब गया, मान लीजिए 5000 का आपको बैड डेट्स भी गिवन है, तब आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, और एडजस्टमेंट में आपको गिवन है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब 5% में जो है मेंटेन करना है, और साथ में जो है ट्रायल बैलेंस में एक नई चीज़ आ गई, डेटर भी हमें गिवन था, बैड डेब भी हमें गिवन था। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, वही आपने 5% 5000 निकाल लेना है, डेटर में से आपने वो माइनस कर दिया। अब ये बैड डेट्स जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, मतलब ऑलरेडी इसमें से वो माइनस हो चुके हैं, हमें कुछ नहीं करना, बस और क्या करना है हमें ये जो बैड डेट्स हैं, ठीक है, 5000 के हमें बैड डेट्स गिवन है वो इसी प्रोविजन में ऐड कर देने हैं बस। वैसे ही ये बैड डेट्स जो है एक्सपेंस है। अब केस टू में आपको जो है बैड डेट्स की एक नई चीज़ आ गई, बैड डेट्स ही आपको गिवन है। ठीक है, और वही आपको एडजस्टमेंट गिवन है कि प्रोविजन हमें जो है डाउटफुल डेब पर 5% मेंटेन करना है, और बस एक नई चीज़ आ गई कि बैड डेट्स भी हमें जो है ऑलरेडी गिवन है ट्रायल बैलेंस में। अब ये जो है ट्रायल बैलेंस में गिवन था, इसके एक ही इफेक्ट होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट तो नहीं है हमें, सिर्फ जो है बैड डेब हमें गिवन है, तब हम क्या करेंगे। देखिए, पहले तो आपको जो है प्रोविजन फॉर ये गिवन है, आपने 5% वो निकाल लेना है, जो कि 5000 आया था अभी हमने निकाला, और वही प्रोविजन में से हमने माइनस कर दिया। ठीक है, और इसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट करके हमने जो है ट्रायल बैलेंस में और पीएनएल में लिख दिया। ठीक है, अब बैड डेब्ट्स डेबिट बैलेंस में गिवन है, और हमें पता है कि हमने जो है पहले भी कुछ इलस्ट्रेशन करे हैं कि बैड डेब्ट्स हमेशा हम जो है एक्सपेंस होता है हमारा, तो हम पीएनएल में उसको डालते हैं। अब ये जो प्रोविजन हम बना रहे हैं, ये तो इन्हीं के लिए तो बना रहे हैं, डाउटफुल बैड डेब्ट्स के लिए तो बना रहे हैं हम। ठीक है, जो हमारा पैसा डूब ना जाए, तो हम चाहे इसको यहाँ पे सीधा लिखें, ठीक है, हम चाहे इसको सीधा भी लिख सकते हैं, बट आप सीधा मत लिखिएगा, हमेशा क्या करिएगा, जो भी आपको बैड डेट्स गिवन होता है ना, बैड डेट्स, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो हमेशा आप प्रोविजन में उसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, 5000 आपने अंदर लिखा और प्लस बैड डेट्स आपने किया, ये भी एक हिसाब का एक्सपेंस ही है। ठीक है, प्लस करो, आप चाहे अलग लिखो, एक ही बात है, बट आप प्लस करके लिखना, 10000 हो गया, इसी के लिए बना रहे हैं हम, बस सीधा सीधा आपने कुछ नहीं करना। बैड डेब्ट्स जो भी आपको ओल्ड अगर कोई भी गिवन होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और अगर प्रोविजन लगाने को बोलता है, तो आप इसके अंदर बैड डेब्ट्स को प्लस कर देंगे, नहीं तो सीधा सीधा अगर बैड डेब्ट्स आपको गिवन होगा, तो आप ऐसे ही एक्सपेंस एज एक्सपेंस को लिख दीजिएगा पीएनएल में। अगर आपको प्रोविजन लगाने को भी बोलता है, तब आप बैड डेब्ट्स इसके अंदर जो है ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है, केस टू के एक तो केस टू के अंदर ये बात आ गई। अब मान लीजिए आपको जो है कुछ ना गिवन हो, बैड डेब्ट्स कुछ मत गिवन हो, ठीक है, केस टू के अंदर एक और बात है। ठीक है, आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स गिवन नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको बैड डेब्ट्स गिवन नहीं है, आपको एडजस्टमेंट में गिवन है कि बैड डेब्ट्स हो गए 500 रुपये के। ठीक है, 500 बैड डेब्ट्स 500 के जो है बैड डेब्ट्स हो गए, मतलब हमारा पैसा डूब गया, तब हम जो है क्या एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब कि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर अब कोई डेटर नहीं गिवन, बैड डेब नहीं गिवन, सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर गिवन है, और एडजस्टमेंट में लिखा गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब इज टू बी मेंटेन 5% और बैड डेब हो गया हमारा 500 रुपये का, तब हम क्या करेंगे। देखिए, पहले तो प्रोविजन का 5% हमने निकाल लिया 5000, ठीक है, अब हमने क्या किया था, प्रोविजन का जो है 5% 5000 पे निकाल लिया था, अब ऐसे नहीं निकालेंगे, अब लगेंगे रियल डेटर पे हम 5% निकालेंगे। अब रियल डेटर कैसे बना, देखिए रियल डेटर का मतलब क्या है कि अब जो जितने हमारे जो है डेटर है उसी पे ही 5%। अब 500 रुपये तो इसमें से डूब गए, सबसे पहले जो है बैड डेब्ट्स को इसमें से माइनस कर दो, बैड डेब्ट्स 500 रुपये हुए और ये बचे कितने, 99500। अब इसका जो है हम 5% निकालेंगे, 99000 का 5%,
इंटू 5/100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4975, ठीक है। ये 5%, अब 5000 नहीं निकलेगा, अब ऐसे निकलेगा, ठीक है। पहले हमें जो है बैड डेब्ट्स उसमें से माइनस करना है, मतलब रियल कितने हैं हमारे डेटर, उसी पे ही 5% निकलेगा। 4975 निकल गया, ठीक है, 4975 हमारा जो है वो निकल गया प्रोविजन, ठीक है। अब प्रोविजन इसमें से माइनस कर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4975, तो ये आ जाएगा 94525, ठीक है, 94525, ठीक है, आंसर आ गया। अब वही प्रोविजन हमारा एक्सपेंस शीट करते हैं, हमने अभी भी सीखा, तो इसको लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना कितने का था, 4975। अब वैसे ही जैसे बैड डेब्ट्स हमने प्लस किया था, इसमें भी बैड डेब्ट्स प्लस कर देंगे, बैड डेट्स, ठीक है, कितने के थे, 500 रुपये के थे बैड डेट्स, 500 के थे ना, हाँ 500 के थे बैड डेट्स, ठीक है, 5475 आ गया, ठीक है, 5475, ठीक है, ये आ गया। उसी में से ही हमने जो है बैड डेट्स हमने प्लस कर दिया, ठीक है। बैड डेट्स की भी एंट्री आपको पता ही है, फर्दर बैड डेट्स हमने सीखा था, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है, उसी के इफेक्ट हमने लिए हैं यहाँ पे, 500 500, डेटर क्रेडिट में है उसमें से माइनस कर दिया बैड डेट्स, और बैड डेट्स यहाँ पे एक तो डेबिट में हमें गिवन है वो एक्सपेंस होता है, तो PNL में हमने डाल दिया। अब इसमें से प्लस करो चाहे ऐसे ही लिखो, आंसर आपका सेम आना है। और हमेशा आप जो है बैड डेट्स, चाहे आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, चाहे आपको एडजस्टमेंट में नए बैड डेट्स लगाने को बोले, आप जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में प्लस करेंगे। अगर मान लीजिए आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, सिर्फ बैड डेट्स गिवन है, तो आप क्या करेंगे, डेटर में से उसको माइनस करेंगे और PNL में उसको लिख देंगे, बस। अगर प्रोविजन भी नया गिवन है तो आप उसको प्लस करेंगे, ठीक है, ये आप केस समझ गए। अब चलते हैं हम केस 3 पे, केस 3। अब केस 3 के अंदर यहां नया ट्विस्ट आया है, केस 3 के अंदर क्या हुआ कि आपको जो है ट्रायल बैलेंस में गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये ओल्ड, इसे बोलते हैं ओल्ड, मतलब ये कई सालों से चल रहा है, ट्रायल बैलेंस में तभी आया है। मान लीजिए 5000 का आपको जो है यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ठीक है। नया टोस्ट क्या है, आपको डेटर भी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, और साथ में एडजस्टमेंट गिवन है कि प्रोविजन लगाना है डाउटफुल डेब्ट पे और बैड डेब्ट्स हमें जो है लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, वही हमने 5% कैलकुलेट किया, जो भी हमने किया था 4975 माइनस किया, ठीक है, बैड डेब्ट्स में से जो है बैड डेब्ट्स माइनस करके हमने निकाल लिया था, और ये भी हमने प्रोविजन माइनस कर दिया, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही कर लिया हमने, ठीक है, ऐड कर दिया हमने 5475, हमारा आंसर आ गया था। अब यहाँ पे गिवन है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, अब ये ओल्ड वाला है, मतलब कि हमने पिछले साल जो है इस साल में पहले भी हमने जो है एक प्रोविजन बनाया था डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, आज नया भी हम बना रहे हैं, एडजस्टमेंट गिवन थे जो कि हमने अभी बनाया, और 5000 हमने पहले भी बना रखा था, ठीक है। अब ये हमने पहले तो बना रखा था, ये हमें गिवन क्यों है, गिवन इसलिए है क्योंकि हमने यूज़ ही नहीं किया, अब जिस पे डेटर पे हमें डाउट था उन्होंने हमें पैसे दे दिए, ये काम ही नहीं आया, तो ये हमारी इनकम हुई कि नहीं, ये हमारी इनकम हुई कि नहीं। अभी अब हम 5475 रुपये का हम जो है प्रोविजन बना रहे थे बैड डेब्ट्स को मिला के, ठीक है, 5475 का, बट 5000 हमने जो है पहले से ही बना रखा था, अब वो रेक्टिफाई इससे जो है हटाएंगे नहीं, अब तो सिर्फ जो है हम 475 ही तो बनाएंगे, 5000 तो पहले का हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इसीलिए क्या करेंगे, जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में ओल्ड बैलेंस गिवन हो, यानी कि ओल्ड डेटर ओल्ड प्रोविजन गिवन हो, तो आप हमेशा जो है माइनस कर देंगे 5475 है ना, उसमें से ओल्ड वाला प्रोविजन आप माइनस कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5000, अब सिर्फ 475 हमारा आ गया आंसर। हमेशा जब भी आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ओल्ड वाला गिवन हो, इसमें ट्रायल बैलेंस में अगर कोई भी आपको अंदर रिजर्व लिखा हो, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिखा हो, हमेशा जो है आप इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमें काम ही नहीं आया,
ये 5,000 जो हमने बनाए थे हमें काम ही नहीं आया, हमारे जो है डेटा डूबे ही नहीं, हमने ना पैसा उन्हें दिया, तो इसी में से ही हमने जो है वो कैलकुलेशन कर दी, इसी में से ही माइनस कर दिया, क्योंकि हम 5,475 का बनाने वाले थे, बैड डेब्ट्स को मिला के प्रोविजन हमने बनाया था, बट हमें ऑलरेडी हमने जो है पहले ही एक प्रोविजन बना रखा था, तो इसमें से माइनस कर दिया, अब बनाएंगे नहीं, 475 का बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड केस। अगर आपको जो है ओल्ड बैलेंस कोई भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है तो आप हमेशा इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, अब एक और केस है वो समझ लेते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं इसका केस 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नया ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये आया कि यहाँ पे जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमें गिवन तो है, ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट गिवन तो है, बट 5,000 का नहीं, वो हमें गिवन है 6,000 रुपये का, 6,000 रुपये का गिवन है। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ओल्ड वाली एंट्री में मिटा देता हूँ। ठीक है, 6,000 रुपये हमें जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट गिवन है, और साथ में वो जो एडजस्टमेंट थी वो हमने गिवन थी। ठीक है, हमने क्या किया, प्रोविजन निकाल लिया, वही बैड डेब्ट्स माइनस करके रियल डेटर पे प्रोविजन निकाल लिया, माइनस कर दिया, और एज अ एक्सपेंस शीट करके दोनों को लिख दिया, सबकी ट्रीटमेंट हो गई, बचाइए ओल्ड वाला। अब 6,000 रुपये गिवन है, अब आप देख सकते हैं इन दोनों के मिला के, बैड डेट्स और जो है प्रोविजन को मिला के हमारे बन रहे हैं 5,475। ठीक है, 5,475 हमारे जो है बैड डेट्स और उसको प्रोविजन को मिला के बन रहे हैं, हमने प्रोविजन भी निकाला और बैड डेट्स भी ऐड किया, तो 5,475 रुपये बन रहे हैं, बट यहाँ ओल्ड वाला ही हमें जो है 6,000 गिवन है, मतलब कि हमने पहले भी एक प्रोविजन बनाया था जो कि 6,000 रुपये का है, और यहाँ नया बना के जो है 5,475 बन रहा है, तो मतलब कि ये इनसे भी ज़्यादा है, जो हमने पिछला बनाया था ना, जो हमें काम नहीं आया, इनकम थी, ये इनसे भी ज़्यादा हो गया, मतलब अगर हम इसको भी हटाते हैं ना तब भी हमारे पैसे बच रहे हैं, तो ये हमारी इनकम हुई, एक हमने जो है एज अ एक्सपेंस ट्रीट कर करके जो है एक प्रोविजन बना दिया जो हमें काम नहीं आया, और आज हम बना रहे हैं जिसके लिए एज अ एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, वो भी हम उसमें से निकाल देना, फिर भी हमारे पैसे बच रहे हैं, तो वो इनकम मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तो इसीलिए क्या होगा कि ये डेबिट में नहीं अब आएंगे, अभी हमारी जो है इनकम हो रही है, तो ये सब कुछ जो है P&L की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। P&L की क्रेडिट साइड में कैसे, दोनों अगर हटा दें, 4,975 भी और बैड डेट्स भी इसमें से हटा दें, तो ये हमारी इनकम बन जाएगी। होगा कैसे, अब करना कैसे, जब भी आपको जो है बैड डेट्स और नया प्रोविजन मिला के भी अमाउंट अगर ज़्यादा गिवन है ओल्ड बैलेंस का, तब आप क्या करेंगे, ओल्ड वाला सबसे पहले लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ओल्ड वाला कितने का है, 6,000 रुपये का है, जो कि ज़्यादा था, और उसमें से भी आप प्रोविजन न्यू वाला माइनस करेंगे। ठीक है, न्यू वाला कितने का था, 4,975, 4,975, और बैड डेब्ट भी माइनस करेंगे अगर आपको गिवन होंगे 500 रुपये, और 6,000 में से 5,475 अगर हम माइनस करेंगे तो 525 रुपये हमारे बचते हैं, तो मतलब ये 525 रुपये हमारे जो है इनकम बन गई, जो कि काम नहीं आई थी, अगर हमने एक्सपेंस भी हटा दिए और नया जो हमने प्रोविजन बना रहे हैं वो भी हटा दिए, तब भी हमारी जो है इनकम बन रही है 525 रुपये, तो इसीलिए इसको जो है P&L के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। भाई ऐसा ही तो होता है, जो इनकम होती है उसमें से हम खर्चे हटा देते हैं तभी तो हमारा प्रॉफिट निकलता है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट निकल गया। अगर आपको जो है बैड डेट्स भी गिवन हो और प्रोविजन भी अगर आपको एडजस्टमेंट गिवन हो, दोनों को मिला के भी, ठीक है, उससे ज़्यादा का अमाउंट आपको ओल्ड वाले बैलेंस में गिवन हो, तब आप ये ट्रीटमेंट करेंगे, बस और कुछ नहीं है इस एडजस्टमेंट में। यही जो चार केस थे जिसमें जो है बच्चे अटक जाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया कि क्यों क्यों ऐसा होता है। केस फर्स्ट में आपको सिर्फ अगर प्रोविजन गिवन हो तो आप प्रोविजन जो है डेटर में से माइनस करेंगे, एज अ एक्सपेंस शीट करके उसे लिख देंगे। अगर आपको केस 2 में बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है तो आप उसी प्रोविजन में बैड डेट्स प्लस कर दोगे, अगर आपको एडजस्टमेंट में देता है तो आप पहले उसको माइनस करेंगे डेटर में से, फिर प्रोविजन निकालेंगे, फिर उसमें प्लस करेंगे। केस थर्ड में क्या था, केस थर्ड में आपको ओल्ड वाला गिवन हो आप यहाँ माइनस कर देंगे, क्योंकि वो कम था पहले, बैड डेट्स और प्रोविजन को मिला के वो बैलेंस 5,000 रुपये कम था, क्योंकि हमने बैड डेट्स और प्रोविजन को मिलाया तो 5,475 बन रहा था, बट पिछला वाला हमें जो है 5,000 गिवन था, तो हमने यहाँ पे जो है पहले प्रोविजन लिखा, उसमें से बैड डेट्स प्लस किए, फिर ओल्ड वाला रिजर्व माइनस कर दिया। अब यहाँ पे केस 4 में क्या था कि 6,000 रुपये हमें गिवन है, कि मतलब कि हमने जो है प्रोविजन को भी प्लस किया, बैड डेट्स को प्लस किया, तो 5,475 आ रहा था, 5,475 आ रहा था,
बट यहाँ 6000 हमें गिवन था, तो हमारी इनकम हो रही थी, इसलिए क्रेडिट साइड में ओल्ड वाला बैलेंस पहले लिखा, न्यू वाला प्रोविजन माइनस कर दिया और बैड डेट्स भी माइनस कर दिया, बस कुछ नहीं करना। और यही चार केसेस जो थे मुझे आपको समझाने थे इस वीडियो में, और आपकी अब जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की जो भी केसेस की एडजस्टमेंट है, जिस भी केसेस में अगर क्वेश्चन बनता है आपको आ जाने चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगली वीडियो में हम जो है जो भी बची हुई हमारी एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह जो भी है, उसको हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो साथ में आपको क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जो है एग्जामिनेशन में एडजस्टमेंट बनती हैं ज़्यादातर, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर में से आप पूरे तैयार हैं, एग्जामिनेशन में कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आप कर लेंगे, ठीक है। इस अगर चैप्टर की मैं बात करूँ, इससे अगला एक चैप्टर है NPO का, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक तो ये फाइनल अकाउंट्स और NPO, इन दोनों में से जो है हमारी चूजिंग बनती है, तो दोनों आप पक्के रखिएगा कि कोई भी आपको पहले आता हो तो आप वो एग्जामिनेशन में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हम भी, हैव अ नाइस डे।